आज हम जिस जगह का विजिट करने जा रहे हैं वो है गुलबहार बेगम का मकबरा। ये महाराजा रणजीत सिंह की मुसलमान बीवियों में से दूसरे नंबर पर आती हैं। ये अमृतसर की मशहूर तवायफ और रकासा थीं। याद रहे महाराजा रणजीत सिंह ने जिन दो मुसलमान औरतों से शादी की थी, पेशे के एतबार से दोनों तवायफ थीं। पहली का नाम मोरा और दूसरी का नाम गुलबहार बेगम है। ये रणजीत सिंह की आखिरी बीवी थीं। ये नस्ली एतबार से कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। रणजीत सिंह ने एक रक्स की महफिल में इसे पहली दफ़ा देखा और इस पे लट्टू हो गया और इसी महफिल में शादी की दावत पेश कर दी, जिसे चंद शर्तों के बाद गुलबहार बेगम ने कबूल कर लिया। वो शर्तें कुछ यूं थीं। गुलबहार बेगम की पहली शर्त ये थी कि मेरे वालिदैन के लिए एक आलीशान हवेली तामीर करवाई जाए। दूसरी शर्त ये थी कि आप अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए लाहौर से अमृतसर तक आप बारात में पैदल आएंगे, जो उन्होंने फौरी कबूल कर ली। ये शरायत कबूल करनी थी कि इस अमल पर अमृतसर के गोल्डन टेंपल के पुजारियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक सिख महाराजा कैसे एक मुसलमान तवायफ से शादी कर सकता है। उन्होंने इनको इस अमल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रणजीत सिंह अपने दिल के हाथों मजबूर था। तो पुजारियों ने शादी की आमादगी के लिए रणजीत सिंह पर चंद सजाएं नाफिज कर दी कि कुछ दिन तक रणजीत सिंह सिखों की इबादतगाह की सफाई करेगा, इन दो मुसलमान बीवियों के अलावा किसी और मुसलमान लड़की से शादी नहीं करेगा, और तीसरी इनको कुछ कोड़ों की सज़ा भी सुनाई गई। इन सज़ाओं के अमल दरामद के बाद पुजारियों ने शादी की इजाज़त दे दी। जब गुलबहार बेगम की शादी रणजीत सिंह से हुई तो रणजीत सिंह की उम्र 51 बरस थी, लेकिन उन्होंने शादी की तकरीबात भरपूर तरीके से मनाई। गुलबहार बेगम रणजीत सिंह की मौत तक उनकी चहेती बेगम रही। 1849 में जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया तो गुलबहार बेगम मियानी साहब के इस इलाके में शिफ्ट हो गईं। यहाँ पर उन्होंने एक बाग और एक बेहतरीन हवेली तामीर करवाई। इस बाग में उस दौर में फलों और फूलों के दरख्त और फुहारे लगाए गए थे, जो वक़्त की मार ना खा सके और वक़्त के साथ ख़त्म हो गए। ये मकबरा सिख और मुस्लिम कल्चर की अकासी करता है, जिसका गुंबद सिख तर्ज तामीर पर बना है और इसके अंदर और बाहर इस्लामी तर्ज की नक्काशी की गई है, जिसकी बाकियात अभी तक मौजूद हैं। इस मकबरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, जिस वजह से हम आपको अंदरूनी मनाजिर नहीं दिखा सके। अलबत्ता इसकी जालियों से कब्र का नज़ारा किया जा सकता है। और इस मकबरे के बिल्कुल सामने इसके लिए पालिक बेटे सरदार खान का मकबरा है, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। सरदार खान के मकबरे में कुल 3 कब्रें मौजूद हैं। दाएं और बाएं जानिब सरदार खान की दोनों बीवियों की कब्रें मौजूद हैं। ये तीनों कब्रें ही बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं और ये मकबरा बुरी तरह से झाड़ियों में अटा हुआ है। इस मकबरे में मुख्तलिफ जगहों पर दिए रखने के आले बने हुए हैं। खस्ता हालत के बाद भी इस मकबरे की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। ये दोनों मकबरे अपने अबाबे इख्तियार की तवज्जो के मुंतजर हैं, वरना ये दोनों मकबरे तारीख की किताबों में ही रह जाएंगे। और जिस हवेली का हमने जिक्र किया था, उस हवेली के बाकियात इस मकबरे के हाथे में अभी भी मौजूद हैं। और इन दो मकबरों के अलावा इसके हाथे में बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, और इस हाथे में मौजूद कब्रें सरदार खान के वारसों की हैं। इस मकबरे के आसपास आज भी सरदार खान के वारसान रिहाइश पजीर हैं। मेरे ख्याल से ये असासा पंजाबी कौम का विरसा है, जिस पर ये मौजूदा ख़ानदान काबिज हुए बैठे हैं, जिस पर आने वाले विजिटर को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद ये वीडियो आप तक पहुंचाई है।
अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं किसी नए मुकाम पर एक नई वीडियो के साथ।